दोस्तों उत्तराखंड में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल जो 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी आती है हिमालय यूनिवर्सिटी। हिमालय यूनिवर्सिटी 2019 में बनी है, रिसेंट में ये यूनिवर्सिटी बनी है। ये इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी UGC पर कहाँ रैंक करती है, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है भी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो इस यूनिवर्सिटी का नाम UGC पर ही ना हो। मैंने कई बार आपको बताया है अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कि हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ रेगुलेट की जाती हैं वो सभी रेगुलेट की जाती हैं UGC के द्वारा। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ का UGC पर उनकी अप्रूव्ड लिस्ट में नाम है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी हिमालय यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी समाज में कुछ आपको फ्री मिले या ना मिले, न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन चीज़ें फ्री ज़रूर मिलनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर फ्री मिलती हैं और अच्छे से मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं, तो मेरा मानना है वो अर्थव्यवस्था बहुत आगे तक निकल जाती है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और आजकल के समाज में तो एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है क्योंकि इजीली अवेलेबल है डिग्रियां, इजीली अवेलेबल है हर चीज़, पर आप अपनी एजुकेशन को ज़रूर लें। आप जितना ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, जितना ज़्यादा एजुकेशन आपके पास होगी, मेरा मानना है कभी भी कहीं पर भी आप शर्मिंदा नहीं होंगे और आपके अंदर जो ऊर्जा होगी वो काबिल तारीफ होगी। हिमालय यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करें तो UGC पर यूनिवर्सिटी को आप चेक कर सकते हैं 6वें नंबर पर। आप कैसे चेक करेंगे इसको, UGC की वेबसाइट पर आप जाएंगे UGC.ac.in। मैं हमेशा बताता हूँ, ऊपर टैब पर यूनिवर्सिटी का एक टैब है, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ के नाम, मतलब सब स्टेट के नाम आ जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप उत्तराखंड में क्लिक करेंगे, उत्तराखंड करते ही टोटल जो 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तराखंड में, सबके नाम खुल जाएंगे और वहीं पर 6वें नंबर पर इस यूनिवर्सिटी का नाम स्थित है। 27 जून 2019 में ये यूनिवर्सिटी बनी है और UGC पर आकर सब डिटेल्स आप इसकी चेक कर सकते हैं। जब आप मोर डिटेल में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट जो कि है himalayauniversity.in, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर साथ में ही जो VC साहब हैं उनकी डिटेल्स डली हैं, साथ में रजिस्ट्रार साहब की भी डिटेल्स डली हैं, मेल ID भी है, फ़ोन नंबर भी है। अक्सर जो नई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से कतराते हैं और हम खुद बोलते हैं कतराना चाहिए भी, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा जो बैच है पास आउट हुए नहीं है। फैकल्टी कैसी है, किस तरह से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने वाली है, उसका आपको पता नहीं होता। यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर करें, जाकर फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले जो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को अच्छे से आप देखें, अप्रूवल्स को अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही एडमिशन लें। सीधा सस्ती फीस में लुभावने एडवर्टीजमेंट के चक्कर में आप एडमिशन गलती से भी ना ले लें, अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल यूनिवर्सिटी का UGC पर नाम है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, जो UGC एक्ट है 1956 का, जिसमें सेक्शन 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है वो एक्ट जो कि आपको खरीदने से तो शायद नहीं मिलेगा, बट इसको आप ऑनलाइन निकालोगे, UGC की साइट पर जाकर आपको मिल जाएगा और हर तरह के अपडेट्स जो किस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है सब इसके अंदर मेंशन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी किस तरह काम करेंगी, सेक्शन 22 में किस तरह से वो डिग्री वगैरह अलॉट करेंगे, सब कुछ उसके अंदर मेंशन है। आप जाओगे देखोगे तो इजीली आप समझ पाओगे। इस यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज की हम बात करें, जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए बात करती है, हालांकि ज़्यादा कोर्सेज के लिए इन्होंने जिक्र नहीं किया है अपनी वेबसाइट पर, कुछ कोर्सेज मैं बता दूं आपको, जैसे कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, हालांकि साथ में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के आयकर का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, मैंने बताया था, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स ये बताया हुआ है, कॉमर्स के कुछ कोर्सेज और मैनेजमेंट के कोर्सेज बता रहे हैं ये, साथ में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, साथ में ये स्कूल ऑफ योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UGPG कोर्सेज और साथ में PhD में जो यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती है उनको कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी, अगर UGC लिस्टेड है, UGC से रिकॉग्नाइज है तो इन कोर्सेज को चला सकती है, अलग अगर काउंसिल कोर्स चलाने हैं तो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल कोर्सेज कोई भी यूनिवर्सिटी चला सकती है।
कोई भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर आप चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें और आपको और बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने सवाल, अपने जो भी आप जानना चाहते हैं, या अगली वीडियो किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर आप चाहते हैं, किस कोर्स पर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लेकर आने की और सब तरह के आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।